दसवीं एवं बारहवीं पास 15 से 25 साल तक की लड़कियों के लिए शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में गुरु रजनीश ऋषि जी और गुरु मां रुक्मिणी जी द्वारा फ्री कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, जहां सभी लड़कियों को मल्टीमीडिया, वेब डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्री 2 साल एवं 3 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरे दिन सिखाया जाता है, जिसकी कीमत मार्केट में 5 लाख रुपए तक है। लड़कियों को हर महीने हमारे मंदिर की ओर से स्कॉलरशिप भी दी जाती है, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और एक सम्मानजनक नौकरी पा सकें। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें गुरु मां रुक्मिणी जी। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगण, मैं गुरु मां रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम हमारे शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो आप हमसे प्रेम करते हैं, जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें सम्मान देते हैं, उस सबके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब आप फोन करके हमें बताते हैं कि गुरुजी, गुरुमा आपके बताए हुए उपायों से हमें इतना लाभ हो रहा है, जीवन में तरक्की कर रहे हैं। और जो अच्छे अपने आध्यात्मिक एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करते हैं, जो आप महसूस करते हैं धर्म के प्रति और निकट होते जा रहे हैं, ये सब सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी के प्रेम और सम्मान के लिए मैं आपको तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही विशेष है। आज हम चर्चा करने वाले हैं दान के विषय में। बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है, गुरु माँ हम अपने खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या दान करें। तो आज आपकी राशि के अनुसार मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि आपको किस वस्तु का, किस चीज का दान करना है, जिससे आप अपने बुरे ग्रहों को भी अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं, नीच के हैं, या आप उनकी दृष्टि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप असफल हो रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उस सभी को दूर करने के लिए आज मैं आप सभी को क्या दान करना आपके लिए श्रेष्ठ कर है और दान से कैसे आप फल प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी आपको बताने वाली हूँ। तो अंत तक मेरा ये वीडियो देखते रहे। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन, घंटी का आइकन आप जरूर दबाएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया है तो चैनल पेज पे जाकर के आप घंटी का आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो अपलोड होते ही उसका मैसेज आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाई दे। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर डेली का राशि फल भी आप देख सकते हैं। स्वामी राज ऋषि जी डेली आप सभी की राशियों के बारे में, आपके आज के सितारे के बारे में बताते हैं। उस राशि फल को देख करके वो साथ में उसमें उपाय भी बताते हैं, सावधानियां भी बताते हैं जो आपने नित्य ही प्रयोग करनी है। तो इसलिए आप राशि फल भी स्वामी राज ऋषि जी का नित्य ही सुबह देख करके अपने दिन का प्रारंभ करें। ज्ञानी जन कहते हैं, अनुकूल विधो देयम् एतः पूरिता हरे, प्रतिकूलं विधो देयम् यतः सर्वं हरिष्यति। ज्ञानी जन कहते हैं कि जब हम और हमारा भाग्य अनुकूल हो, अच्छा हो, व्यक्ति को दान करना चाहिए। लेकिन जब उसका भाग्य अच्छा ना हो, उसका भाग्य खराब है, उसके जीवन में कष्ट है, तो भी उसको दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारा भाग्य अच्छा है, जीवन अच्छा चल रहा है, तो इस बात को याद रखने के लिए कि देने वाला वो दाता है, उस ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उस समय भी हमें दान करना चाहिए। और जब हमारा समय खराब हो गया है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, प्रतिकूल है समय हमारा, भाग्य हमारा, उस समय भी हमें दान करना चाहिए, ताकि हमें ये याद रहे कि हरने वाला लेने वाला भी वही। व्यक्ति को दान दोनों ही स्थिति में करना चाहिए, ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं। और शास्त्रों ने हमेशा ही दान की बड़ी महत्ता गाई है। और भी दुनिया में जितने भी धर्म है वो सभी डोनेशन और चैरिटी को बहुत अच्छा मानते हैं। और मैं अपने विषय में बात करूं तो मेरा भी ये कहना है, क्योंकि मनुष्य धर्म परमो धर्म, तो दान एक ऐसी चीज है जिससे मनुष्य मनुष्य की सहायता कर सकता है। तो इसलिए दान बहुत विशेष है, व्यक्ति को जीवन में दान हमेशा करते रहना चाहिए।
आज मैं आपको बताऊंगी आपकी राशि के अनुसार आपको कैसे और क्या दान करना है। और देखो, बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम क्या दान कर सकते हैं। तो एक ऐसा भी आपको उपाय बताने जा रही हूँ जहाँ बिना खर्च के या बहुत कम खर्च के आप दान कर सकते हैं और उसका फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर ज्योतिष की मैं बात करूं, ज्योतिष शास्त्र इस बात को कहता है, और इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि दान हम करते हैं लेकिन अज्ञान से किया दान भी अच्छा नहीं होता। ज्योतिष इस बात को मानता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका कोई ग्रह खराब है तो उसके लिए आपको दान करना चाहिए, उसके दान से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह पहले से ही अच्छा है और आप उसका दान करते हैं तो आप अपने शुभ फलों को स्वयं ही नष्ट करते हैं। इसलिए दान हमने क्या करना है वो बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। लेकिन दूसरा दान जो मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ, उसको कोई भी कर सकता है, और 100% ऐसा दान करने से आपको लाभ ही होगा। उसे जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को आप देखते रहे। एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ दान के विषय में। एक सरदार जी गुरु जी के पास कुछ वर्षों पहले आए थे। वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद कनाडा में वो रहते थे, और वहां से वो यहाँ इंडिया आए हुए थे। अब वो गुरुजी से मिलने आए क्योंकि वो बहुत परेशान थे, और उनकी परेशानी का कारण ये था कि वो बार बार वापस, उनकी फ्लाइट भी बुक है, उनको कोई पैसे की परेशानी नहीं, कोई वीजा की परेशानी नहीं, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। वो जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वापस अपनी कंट्री जाने के लिए, वैसे ही उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो एयरपोर्ट से ही वापस लौट जाते हैं। 4 बार उनके साथ ऐसा हुआ, जिस दिन उनकी फ्लाइट थी वो फ्लाइट पे बैठ ही नहीं पाए, कोई ना कोई अड़चन आ गई, उनकी तबीयत खराब हो गई या और कोई काम पड़ गया और वो फ्लाइट में बैठ ही नहीं पाए। वो बहुत परेशान थे, कनाडा से घूमने के लिए मैं इंडिया वापस आया था और वापस ही नहीं जा पा रहा, बहुत परेशान थे। तो वो आए गुरु जी से, उन्होंने संपर्क स्थापित किया, आए आकर के मिले, तो बातों ही बातों में गुरु जी ने जब उनकी कुंडली देखी तो उनसे पूछा कि क्या आपने कुछ यहाँ इंडिया आने के बाद डोनेट किया, दान किया है। तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ मोती पड़े हुए थे, उन मोतियों को मैंने अपने सारे फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में और भी जो मेरे जानने वाले थे, बहुत से लोग, मैंने उन सबको वो मोती दान किया है, दिया है, और भी बहुत से लोगों को मैंने दिया, मेरे पास काफी सारे मोती पड़े थे बहुत समय से। गुरु जी ने तुरंत उस बात को पकड़ा, वो समझ गए कि इसी के कारण तो तुम जा नहीं पा रहे, बाहर जाने का तुम्हारा ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा को तुम अपने ही हाथों से दूसरे को दे रहे हो, लुटा रहे हो, उसका दान कर रहे हो, तो उसके शुभ फल तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे, इसीलिए तुम वापस कनाडा जा नहीं पा रहे हो। फिर उनके लिए उपाय किए गए और फिर उनको वापस हमने कनाडा भेजा। तो इसलिए दान जो है बहुत सोच समझ के किया जाता है। दान बहुत किसी की सलाह पर, जब आप सच में अपनी जन्म कुंडली को जानते हैं या आपको कोई सही एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, तभी आपको सही वस्तु का दान करना चाहिए, अन्यथा ये आपके लिए बुरे परिणाम देने वाला भी हो सकता है। क्योंकि जब आप कुछ अच्छे ग्रह का दान करते हैं, आपका कोई ग्रह अच्छा है और आप उसका दान करते हैं, तो वो आपके अच्छे ग्रहों का प्रभाव भी साथ ही ले जाता है। लेकिन ये भी सत्य है कि अगर हम अपने बुरे ग्रहों का दान करते हैं तो बुरे ग्रह जो है, जो हमें दोष दे रहे हैं, जो अशुभ है, खराब है, वो भी हमें शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। साथ ही आपको कहना चाहूंगी, बहुत से लोग हमें कहते हैं कि गुरुमा आपके यहाँ फोन करते हैं, फोन उठाया नहीं जाता या फोन लगता नहीं है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में फोन करते हैं और समय हमारा 11 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप हमारे यहाँ फोन करेंगे तो अवश्य ही आपका फोन उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त संडे को फोन नहीं उठाए जाते हैं। हाँ, अगर कोई मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है तो वो चलती रहती है, लेकिन फोन संडे को नहीं उठाए जाते। तो इसलिए फोन करने से पहले समय का आप अवश्य ही ध्यान रखें। आप में से बहुत से लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि गुरुमा हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहते हैं रोजाना ही अपने एवं अपने परिवार के लिए, वो मुझसे अपनी पूजा कराना चाहते हैं, अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं और मैं रोजाना ही आपके एवं आपके परिवार के लिए प्रार्थना और पूजा करने के लिए बहुत ही छोटी सी फीस में, बहुत से छोटी सी दक्षिणा में उपलब्ध हूँ। उसके लिए आप अपने एवं आपके परिवार का एक फोटो हमें भेजें ताकि उसे भी हम पूजा में शामिल कर सकें।
और रोजाना डेली लेवल पे हम एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। मैंने सुना है एक दिन एक बच्चा था, लगभग उसकी उम्र 15-16 साल थी, बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, बड़े बड़े फोन थे, बहुत सारा खेलने को खिलौने थे, बहुत बड़ा घर था, उसकी पूरी हवेली थी, गाड़ियां थी, नौकर थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, उसके पास सब कुछ था। और उसे नई नई चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। उसने अपने माता पिता से जिद की और एक रहस्यमय आदमी से एक शीशे को खरीद लिया। खरीद करके उस शीशे को उस लड़के के कमरे में रखा गया। बहुत एक्साइटेड होके, बहुत खुश होके उसने अपना चेहरा उस शीशे में देखा, तो उसने देखा उस शीशे में जो उसका प्रतिबिंब आ रहा है, जो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें उसका चेहरा बहुत उदास है। उसको समझ में नहीं आया, उसने जोर जोर से हंसने की कोशिश की, तरह तरह के मुंह बनाने की कोशिश की, अपने आप मुस्कुरा के देखा, लेकिन तब भी उस शीशे में उसका जो रिफ्लेक्शन था, जो प्रतिबिंब था, वो उदास ही आ रहा था। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उस शीशे को उठा करके एक कोने में रख दिया। समय बीतता गया। एक दिन वो शाम के समय खेलने के लिए बाहर अपने पार्क में गया और वहां जाकर के उसने देखा कि एक लड़का बहुत जोर जोर से रो रहा है। वो छोटा बच्चा था, लगभग 7-8 साल का बच्चा था। वो उसके पास गया, उससे पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि मैं यहाँ अपने माता पिता के साथ आया था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ हो गए हैं, मैं उनको मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही, इसलिए रो रहा हूँ। उस लड़के ने उस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको लेकर के उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए चल पड़ा। रस्ते में वो बच्चा रो ही जा रहा था, तो उसको चुप कराने के लिए, उसको अच्छा महसूस कराने के लिए उसने उसे आइसक्रीम दिलवाई, उसने उसे कुछ खिलौने दिलवाए और वो जगह जगह जाकर के उसके माता पिता को ढूंढने लगा। और अंततः उसको उस बच्चे के माता पिता मिल ही गए, उसने उनको सौंपा और वो खुशी खुशी वापस पार्क आ गया। पार्क में जाकर के उसने देखा अब तो समय बहुत हो गया, अब तो मुझे वापस घर जाना चाहिए। वो वापस घर गया, अपने कमरे में गया, उसने अपनी जैकेट उतारी तो उसने देखा कि कोने में जो शीशा रखा हुआ था वो चमक रहा है। वो उसके पास गया तो उसे इतनी हैरानगी हुई, आज जो उसका प्रतिबिंब था, उसका जो रिफ्लेक्शन था, वो बहुत ही चमकदार था। उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था और उसके पूरे शरीर में से एक चमकती हुई रोशनी निकल रही। उस लड़के को उस दिन उस शीशे का रहस्य समझ में आया और जब भी वो देखता सुबह उठ करके कि उसके शरीर की वो रोशनी, उसकी शरीर की वो खुशी, वो प्रफुल्लता अब नहीं है, तो वो फिर से बाहर जाता, किसी ना किसी की सहायता करता, कुछ ना कुछ दान करता और फिर से उस शीशे में उसकी सुंदर छवि उसे दिखने लगती। कहने का अर्थ केवल इतना है कि जब हम किसी को कुछ दान करते हैं तो हमें स्वयं में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि केवल अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया या किसी ने कहीं पढ़ लिया तो आप केवल अपनी बला टालने के लिए, अपने ग्रह टालने के लिए किसी को कुछ भी दान कर देते हैं। और मुख्यतः तो मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो चीज उनके काम की नहीं है, फटी टूटी है, खराब है, उसे दान करने में उन्हें बहुत रस आता है और उसे दान करके वो सोचते हैं कि न जाने उन्होंने कितना अच्छा काम किया। देखो, दान तो वो है जो चीज स्वयं तुम अपने लिए लेना चाहते, तुम्हें भी अच्छी लगती है, वो जब किसी को दो, उस दान की बात ही और होती है, उस दान का आनंद ही और होता है, वो तुम्हें भी स्वयं में बहुत संतुष्टि देता है, बहुत अंदर से खुशी देता है। वो दे रहा है तो तुम दे रहे हो, वो ना देता तो क्या ले सकते हो। इस बात को ध्यान करते हुए अपने मनुष्य धर्म का पालन करो और दान करते रहो, लेकिन अपनी राशि के अनुसार क्या दान करो, आइए अब मैं आपको वो बताती हूँ। चलिए हम बात करते हैं कुंभ राशि। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है, यानी कि एक्वेरियस राशि है, उस स्थिति में आपको क्या और किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, आइए समझते हैं। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, नीलम रतन का दान कर सकते हैं, लोहा या लोहे से बनी हुई कोई भी वस्तु या बर्तन का आप दान कर सकते हैं, सोने का दान कर सकते हैं, काली रंग की गाय का भी आप दान कर सकते हैं, तेल का आप दान कर सकते हैं, काले रंग के या नीले रंग के या गहरे रंग के पुष्पों का, फूलों का दान कर सकते हैं, काले रंग के कपड़े जो पहनने योग्य हो आप उसका दान कर सकते हैं, काले जूते आप दान कर सकते हैं, छतरी आप दान कर सकते हैं, भैंस आप दान कर सकते हैं,
काले चने आप दान कर सकते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अच्छा नहीं, नीच का है, किसी बुरी जगह पे बैठा है, आपको अशुभ पल दे रहा है, कोई दोष है, तो मैं आपको जो वस्तुएं बता रही हूँ इनका दान करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन अगर शनि ग्रह उच्च का है, अच्छा है, शुभ फल दे रहा है, तो कदापि इन चीजों का दान आप ना करें। इन वस्तुओं का दान आप जिसको आवश्यकता हो ऐसे किसी व्यक्ति को आपको इन चीजों को दान करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको वो भी चीज बताने वाली हूँ, वो विशेष चीज बताने वाली हूँ जिसे दान करना चाहे आप। शनि ग्रह अच्छा हो तो और अच्छा हो जाएगा, खराब हो तो अच्छे फल आपको देने लगेगा, उस चीज का दान करें। वस्तुओं का दान करने में तो मैंने आपको परहेज बता ही दिया है, लेकिन अगर आप दान करना चाहते हैं और दान से अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं तो आप अपने श्रम का दान दें, श्रम दान करें, यानी कि आप सेवा दान दें। अगर आपकी राशि कुंभ राशि है तो उस स्थिति में आपको श्रम दान में आपको मजदूरों की सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके लिए कुछ भी आप करेंगे आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। अगर आप देख रहे हैं कि कोई असहाय है, उस पे अत्याचार हो रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए लड़ना, उसकी लड़ाई लड़ना भी आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर रहेगा। किसी को इंसाफ दिलाना, किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसी को बदसलूकी किसी के साथ हो रही है, किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ, उसके लिए आवाज उठाना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहां और ऐसी जगहों पर आप अपनी सेवा दे सकते हैं, अपने श्रम दान दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगी। आप इस प्रकार से दान करें, जिस प्रकार से कहते हैं कि तन मन धन का दान करें, तो यदि धन नहीं है इतना तो आप तन का अपनी सेवाओं का दान कर सकते हैं और इसके लिए कोई परहेज नहीं है, इसे करना आपको उत्तम फल, अच्छे फल ही प्रदान करेगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी को अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए दान करना क्या श्रेष्ठ है या आपको क्या दान नहीं करना चाहिए, या और कोई आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन से संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, नौकरी करियर से संबंधित हो, आपके फैमिली लाइफ से संबंधित हो, शादी या शादीशुदा जीवन से संबंधित हो, तो बिना झिझक हमारे यहाँ जो नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पे, आप उन पर हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इस सेवा को लेने के लिए एक छोटी सी फीस आपसे ली जाती है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन देते हैं और एक छोटी सी फीस आपसे ली जाती है जो कि हमारे शनि मंदिर के संचालन के काम आती है और हमारे द्वारा जो सामाजिक एवं धार्मिक कार्य किए जाते हैं उन सभी में इनको प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम समय समय पर यज्ञ एवं महायज्ञों का आयोजन करते हैं, जो हम प्रसाद वितरण करते हैं हर शनिवार हर मंगलवार जो प्रसाद वितरण किया जाता है गरीब लोगों के लिए, उसमें ये प्रयोग किया जाता है, जो समय समय पर अन्न दान करते हैं उसमें ये प्रयोग किया जाता है, और साथ ही जो लड़कियों को, गरीब लड़कियों को हम फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं उन सभी के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप अपनी कुंडली दिखाने के माध्यम से इन्हीं सभी सेवाओं में भी अपना सहयोग दे सकते हैं, लोगों की सहायता करते रहे, अपने मनुष्य धर्म का पालन करते रहे, यही मेरी इच्छा है। और अपने सभी भक्तों को, अपने फॉलोअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँ, आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ, आप सभी जीवन में दान पुण्य करते रहे, जीवन में आगे तरक्की करते रहे, वृद्धि करते रहे, यही मेरी मंगल कामना है। जय शनि।